जोड़ पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, डॉक्टर अफसाउल कलाम, अभी सेंट्रल रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर में है। आपने BUMS अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। आपने PG MD इल्मुल अदविया फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से। आप बेहतरीन खसूसियत के हामिल इस सेंस में हैं कि मेरी नज़र में अभी यूनानी में दवाओं की तशखीस आइडेंटिफिकेशन में आप सबसे ऊपर हैं। जो आपका अप्रोच है, प्लांट से जो आपकी मोहब्बत है, कभी आप इंशाल्लाह आगे भी रूबरू फिजिकली इनसे होंगे तो आप देखेंगे किस तरह से ये इनकी इनका लगाव और इनकी समझ और इनका एक्सेस है मेडिसिनल प्लांट पे। उसके साथ साथ आप रेजिनल थेरेपी में भी बहुत एक्टिवेट हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही जब आप मध्य प्रदेश में थे, वहां भी आप ऑथर हैं। लगभग आधे दर्जन बुक्स के रेजिनल थेरेपीज पे बुक आती है और बहुत फाइनेस्ट रिसर्च पेपर्स इनके आए हैं इल्मुल अदविया पे, जो इन्होंने टॉप के पब्लिकेशन है वर्ल्ड के, उसके साथ स्पिंजर्स एंड और भी दूसरे दिगर पब्लिकेशन के साथ आए हैं। आप यंगेस्ट अचीवर्स हैं यूनानी के, इस सेंस में कि जो एक तो होता है कोर्स कर लेना, जॉब करना, एक होता है सिस्टम से लगाव। उस चीज में आप मेरे दौर के सबसे बेहतरीन अचीवर्स हैं यूनानी के। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं जहमत दूंगा फिर अपने वाइस प्रिंसिपल साहब से, प्रोफेसर तबरेज अख्तर लारे साहब से, कि आप डॉक्टर अफसल कलाम को वेलकम शुक्रिया सर। डॉक्टर मैं तनवीर। वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का वो करना चाहती हूँ। और सर, ये आपको जैसा कि तबीयत ने बताया कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन का ये नया ट्रांजिशनल करिकुलम है, जो कि 15 दिन का फ्रेश स्टूडेंट जो BUMS में लिए हैं उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए इसमें स्पेशली जो है डिफरेंट फील्ड से जो यूनानी के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए कहा गया है, ताकि वो यूनानी के बारे में बता पाएँ। और यूनानी में बच्चों का जो स्टिग्मा है कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उसको प्रेफर करें और इसके साथ लगे रहें। सर, ये आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस साल हम लोगों ने PG भी शुरू किया है और नया नया PG का फर्स्ट बैच शुरू हुआ है कौन सब्जेक्ट में, तो हमने इसी के साथ PG के बच्चों को भी जोड़ रखा है, ताकि आप जैसे जो गेस्ट लेक्चर्स हों उनसे वो इंस्पायर हो सकें और अपने नेक्स्ट रिसर्चेस का या नेक्स्ट अपने कैरियर का भी वो निशानदेही आपसे पा सकें और गाइडलाइन पा सकें। इन बातों के साथ सर, आपका एक बार फिर खैर मकदम है कि आप इन बातों को ख्याल में रखते हुए अपने लेक्चर्स को करेंगे, ताकि बच्चे इंस्पायर हों और रिसर्च के नए नए या रिसर्च में करने के लिए होती है तो वो होता है यूथ हो और आपसे इंस्पायर। थैंक यू सर अगेन। जो तो आगे थैंक यू वाइस प्रिंसिपल सर। डियर स्टूडेंट, आप अपने जो माइक है, माइक्रोफोन है, उसको म्यूट कर लें और अच्छे से आप सुने। लास्ट में जितने भी जिस तरह के भी सवाल, खास के प्लांट्स को लेके, उसका आइडेंटिफिकेशन को लेके, उस सवाल आपके जितने बनते हैं आप पूछेंगे। और मेरा स्पीकर से दरखास्त है कि ना कि सिर्फ आपका टॉपिक बल्कि जो आपकी एक्सपर्टीज है सर, जिस तरह से प्लांट के आइडेंटिफिकेशन का रोल है और वो किस तरह से बच्चे इसमें अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, उनके क्या क्या मौके आगे हैं सिर्फ प्लांट्स को लेके और हर्बल प्लांट्स को लेके, इस पे भी थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालेंगे तो इनके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर अफसल कलाम फ्रॉम श्रीनगर, द स्पेस इज योर्स नाउ। आप अनम्यूट कर लेंगे सर। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर तनवीर साहब। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं जो कंपटीशन बीट करके आपने वो एक जगह एक मुकाम हासिल किया और आज BUMS में एडमिशन लिया है। और साथ ही साथ मैं MD प्रोजेक्ट जो आपका शुरू हुआ है उसके स्कॉलर्स को भी मुबारकबाद देता हूं और बेहतर मुस्तकबिल के दुआ के लिए दुआगो हूं। साथ ही मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज लेक्चर प्रेजेंट कर सकूं, खासतौर से प्रोफेसर जयाउद्दीन साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना, और डॉक्टर तबरेज अख्तर लारी साहब, वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर नफीस इकबाल और दीगर जो इस टीम में मौजूद असातजा हैं, लोग हैं, शामिल हैं, उन सबको मैं एक बार मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।
मैं अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने की इजाजत चाहूंगा। यस सर, गो अहेड। ओके, आ गया उसके दोनों ला, थोड़ा सा जो स्क्रीन है ना, थोड़ा सा मुझे होना चाहिए ताकि दिखे, पूरा आएगा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है स्क्रीन पे? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ अब फुल कर दो। ओके, मेरा टॉपिक जो आज का है, आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड यूनानी मेडिसिन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से पूरी टीम का कि आपने मुझे ये मौका दिया, और गवर्नमेंट के इस कदम का भी कि सराहना करता हूँ जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए 15 दिन का ये जो ट्रांजिशनल कुरिकुलम शुरू किया है कि यूनानी के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, नया एडमिशन होता है, BUMS में आए हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल अनजान से होते हैं, ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं होती है, क्योंकि जहन कुछ और होता है, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ों से सबका पड़ता है, नए सब्जेक्ट से सबका पड़ता है, तो उनको ज़रूरी होता है कि उसके बारे में मालूमात हासिल हों। मुख्तलिफ जैसा कि आपने प्रोग्राम जो शेड्यूल बनाया है, तो उसमें बड़े बड़े जो हमारे रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हमारे असातज़ा वगैरह, सभी लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आपने शामिल किए हैं जो कि आपके आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो मेरा ये लेक्चर जो है, जो मुझे दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड यूनानी मेडिसिन, पहली बार इत्तेफाक हुआ है इस तरह का लेक्चर मुझे तैयार करने के लिए। मैंने कोशिश अपनी भरपूर कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ मैं इसके जरिए प्रोवाइड कर सकूँ, जहाँ तक मैंने कलेक्ट किया। आवाज आ रही है स्क्रीन पे? आ रहा है? हेलो जी सर, आपका दिख भी रहा है स्क्रीन पे और आवाज भी आ रही है। अच्छा अच्छा स्क्रीन पे आ रही है, ओके। बायोडाइवर्सिटी जो है, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्लानेट पे जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जो भी जिंदगी जिंदगियां हैं, जितने भी, चाहे वो हमारे जमीन पे हों, हवा में हों, पानी में हों, जहां पर भी पाए जाते हों, वो तमाम जिंदगियां, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से लेके मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म तक ताल्लुक रखते हैं, वो सारे जो हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। वो एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जरासीम हो सकते हैं, यानी सभी जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे इसके तहत आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के तहत आते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए एसेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है, और यही बायोडाइवर्सिटी जो है, और ये एसेंशियल सर्विसेज हमारे लिए लाइफ के लिए सेंट्रल पिलर का काम करते हैं, जितने भी इस प्लैनेट पे जिंदगी मौजूद है उनके लिए, और ह्यूमन लाइफ के लिए खास तौर से सेंट्रल पिलर का काम अंजाम देते हैं। वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, गिजा प्रोवाइड करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिंस, मेडिसिनल कंपाउंड्स, और हमारे लिए ईंधन और एनर्जी का सामान, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट मटेरियल्स, और डिफरेंट कल्चरल और स्पिरिचुअल इवेंट में ये हमारे लिए मुख्तलिफ सामान मुहैया कराते हैं, और इसके जरिए एक तरीके से ये हमारे हमारे लिए सेंट्रल पिलर का काम करते हैं। यानी इनके बगैर, इस बायोडाइवर्सिटी यानी इन अजसाम के बगैर हमारी लाइफ मुमकिन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में एक मुनफरद हैसियत रखता है।
इसकी इन्वायरमेंटल सिचुएशन, इसके ट्रॉपिकल लोकेशन, वेरिड फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट टाइप जो है इसे एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे कि इस यूनिक क्लाइमेट और डिफरेंट नेचर की वजह से, जैसा कि आप महसूस करते हैं कि मैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूँ और आप जिस मुकाम पे हैं, आप यहीं के हिंदुस्तान में ही एक जगह रहते हुए हमने ये महसूस किया कि मैं इस वक्त 9 से 10 टेम्परेचर में बैठा हूँ और आप तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आप बैठे हुए हैं। तो यानी एक ही हिंदुस्तान में ही मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग मौसम, मुख्तलिफ वक्त पे अलग अलग मौसम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्लाइमेट है, ये जो मौसम है, जो यहाँ के जो नेचर है यहाँ का, इसको बहुत ही यूनिक बना देता है। और तकरीबन दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से ये एक बहुत ही अहम हैसियत रखता है। तकरीबन हिंदुस्तान में जो लिविंग पाए जाते हैं उसमें तकरीबन 12% टोटल वर्ल्ड के 12% जो है मैमेलियन हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। 4.5% जो है बर्ड्स एवियंस जो है इंडिया में पाए जाते हैं। तकरीबन 45% रेप्टाइल्स जो है टोटल के इंडिया में पाए जाते हैं। एम्फीबियन 55% एम्फीबियंस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और मुख्तलिफ बहरी जो समुद्री जानवर हैं उनमें फिशेज जो हैं 11% तकरीबन हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो हमारे वहाँ नबाती जखायर हैं, वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड के 33% हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वो किस वजह से, वो इस वजह से है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ जिस तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग मखसूस इन्वायरमेंट होते हैं, तो हिंदुस्तान में आप पाएंगे कि यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट एक ही जगह कलेक्ट होते हैं, अलग अलग मौसम में या एक वक्त में डिफरेंट जगहों पे अलग अलग। तो इस वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का जो लिविंग रहन सहन है, यहाँ का सब कुछ जो है वो चरिंद परिंद सबके लिए जो है बहुत फेवरेबल साबित होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं हर की लिविंग ऑर्गेनिज्म हिंदुस्तान में एक तरीके से खजाना है, हिंदुस्तान एक खजाना है इस तरह के सभी जीवों के लिए। इन जीवों से हमें जो चीजें हासिल होती हैं, चाहे वो जिस लिहाज से हमारे लिए फायदेमंद साबित हों, वो जो बायोलॉजिकल ओरिजिन होते हैं, वो रिसोर्सेज, वो बायो रिसोर्सेज कहलाते हैं, जो नेचर से हमें हासिल होते हैं। उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, जो जैसा कि फर्टिलाइजर्स हैं जो एनिमल एक्सक्रेटा से हमें हासिल होते हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही कारामद साबित होते हैं। इसी तरीके से इन्हीं बायो रिसोर्सेज में जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो हमारे लिए मकानात तामीर करने में, जैसे लकड़ियां वगैरह देगर अज्जा जो हैं, अशिया जो हैं हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, वो इसी जो है बायोडाइवर्सिटी से हमें हासिल होती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे ऑप्शनल अल्टरनेटिव फ्यूल्स रिसोर्सेज भी हैं जो कि हमें प्लांट ओरिजिन से हासिल होते हैं, जैसे कि बायोडीजल प्लांट, जिसे कि जेट्रोपा कर्कास भी कहते हैं। इसी तरह हमें तिब्बी जखायर भी इसी बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं। तो इस लिहाज से, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी जो है एक कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखती है। जहां तक नॉलेज की बात की जाए, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है जो है ये ग्रेटेस्ट स्टोर हाउस है ट्रेडिशनल नॉलेज का, खास तौर से हमारे इंडिया में जो है, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है जो ये जो है ग्रेटेस्ट स्टोर हाउस है तिब्बी जखायर का। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज आपको मिलेंगे जो कि खुद इंडिया के हैं या फिर दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान में अपनी ऐसी जगह बना लिया कि जैसे यहीं के होकर रह गए, जैसे जिसमें आयुर्वेदा जो है मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेस के जरिए इलाज मुआलजे की बात करता है,
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी इन्हीं बायो रिसोर्सेस के जरिए हमारे बहुत करीब है और हमें मेडिसिन और तिब्बी सहूलियात फ्राहम करती है। सिद्धा जो कि इंडियन मेडिसिन है, ये भी इन्हीं नेचुरल एनवायरनमेंट में पली बढ़ी, और होम्योपैथ जो कि ये भी बाहर से आई हुई तिब्बी सिस्टम है, जो कि हिंदुस्तान में इसी बायोडाइवर्सिटी में, इस बायोडाइवर्सिटी में उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि यहीं के होकर रह गए। इसमें खास तौर से यूनानी के बारे में बात करूंगा कि यूनानी तिब जो है हिप्पोक्रेट और जालिनुस के कॉन्सेप्ट्स पे बनाई गई, तामीर की गई, तैयार की गई, और उसके बाद ये धीमे धीमे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूनान से रोम, अरब, ईरान, स्पेन होते हुए और तमाम ममालिक के जखायर को अपने अंदर समोए हुए जब ये हिंदुस्तान में आई, तो हिंदुस्तान में इसने ऐसी वो मुकाम पाया, वो मुकाम जो हासिल किया यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो तिब्बी जखायर हैं, जो नबाती जखायर हैं, जो हैवानी जखायर हैं, जो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसने इसको इतना अपने करीब कर लिया और ये हिंदुस्तान की ही होकर रह गई यूनानी तिब। 8वीं सेंचुरी में इसने हिंदुस्तान में कदम रखा और उसके बाद से यहीं की होकर रह गई, और इस तरीके से ये यूनानी तिब यहाँ पे पली बढ़ी और मैच्योर हुई और शबाब तक पहुंची कि आज इस हैसियत में हमारे सामने हाजिर है। ये जिन जिन मुल्कों से होती हुई यूनानी तिब हिंदुस्तान पहुंची, आप देखेंगे हर मुल्क से तिब्बी जखायर, जो नबाती हैवानी माखज हैं, उनको लेते हुए अपने अंदर समोते हुए जब ये हिंदुस्तान आई, तो यहाँ पे इस तिब ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में वो जो अलग अलग जगहों पे जो जखायर मौजूद थे हिंदुस्तान में, इसकी बायोडाइवर्सिटी में वो जखायर यहीं पे सारे जखायर तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम जखायर यहाँ पे हासिल हो गए यूनानी तिब को। तो इस तिब को ऐसा लगा कि यही वो जगह है जहां पे जहां से अपने आप को प्रेजेंट किया जा सकता है, और फिर देखेंगे आपकी वाकई में यूनानी तिब ने हिंदुस्तान में रहकर यहाँ जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया, आप आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के थ्रू ही यूनानी तिब जानी जाती है, यानी कि खुद यूनान भी, ग्रीक लोग भी नहीं जानते कि यूनानी तिब जो कि हिंदुस्तान के थ्रू हिंदुस्तानी अतिबा ने इतनी इज्जत बख्शी यूनानी तिब को, और खास तौर से इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका नाम ही यूनानी तिब रखा कि जो ग्रीक से स्टार्ट हुआ। तो ये एक तरीके से यूनानी अतिबा ने, जो हिंदुस्तान के यूनानी अतिबा थे, उन्होंने इस तिब को इज्जत बख्शी कि वो जहां से उसका बेस था वहां उससे मंसूब करके इसका नाम रखा गया। वरना आप देखेंगे कि इसके अलावा यूनानी तिब दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन वो यूनानी तिब के नाम से नहीं बल्कि ईरानी तिब, अरबिक तिब, अरेबियन तिब वगैरह वगैरह नामों से वो जानी जाती है। लेकिन वो इज्जत उसको हिंदुस्तान में मिली कि हिंदुस्तान के अतिबा ने उसको यूनान से मंसूब करके, उसकी जड़ से मंसूब करके उसको इस नाम से पुकारा, और आज ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अरब ममालिक में, यानी हर जगह यूनानी तिब का बोलबाला हो रहा है। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस सऊदी अरब, दुबई, जगह जगह जो है कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यूनानी हमारे अतिबा इन्वाइट किए जा रहे हैं और यूनानी को मुख्तलिफ वर्ल्ड के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचा रहे हैं, और आज इतना भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है यूनानी तिब से कि मिलियंस पीपल जो हैं यूनानी तिब पे आज भरोसा करने लगे हैं। जो कि ये भरोसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनानी तिब उन नेचुरल सोर्सेस की बात करता है, उन नेचुरल सोर्सेस को प्रोवाइड करता है हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो नेचर से करीब होगा, तो मौजूदा वक्त में नेचर का खास अहमियत है उसको, नेचर को बचाने की और नेचर से फायदा हासिल करने की, तो लोगों का जो जहन है वो इसकी तरफ खास तौर से मायल हो रहा है। मुख्तलिफ हमारे अतिबा जो हैं, जो सर्टिफाइड हकीम हैं, या फिर गांव में, दूर दराज इलाकों में
जो लोकल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं जिनको जो कि दूसरों से किसी अपने सीनियर से किसी बुजुर्ग से सीख के ट्रेडिशनल इस ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी किसी न किसी सूरत में यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल करके, तिब को इस्तेमाल करके लोगों तक हेल्थ केयर डिलीवर कर रहे हैं, हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं। मुख्तलिफ डायमेंशन यूनानी तिब में आपको देखने को मिलेंगे। मुख्तलिफ जो है, जो यूनानी तिब हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, यूनानी तिब हमें जो है सेहत कायम रखने के लिए और मर्ज से निजात हासिल करने के लिए हमें मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी इसी बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जाती हैं, जिसमें हैवानी और नबाती अद्वियात शामिल हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन हमारे लिए गजा फ्राहम करती है, मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं हमारी, विटामिन मिनरल्स वगैरह वगैरह, वो सभी हमें यूनानी तिब के जरिए हमें उनके बारे में मालूमात हासिल होती है और हम उससे बेहतर फायदा हासिल करते हैं। मुख्तलिफ रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, जो है रिलीजियस सेरेमनीज में हमें ऐसे ऐसे बातें सीखने को मिलती हैं यूनानी तिब से कि जिसमें हम मुख्तलिफ अद्वियात का या मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी सेरेमनीज को और जो है बेहतर अदा करने का वो बनाते हैं। डेली रूटीन्स में हमारी मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे हमें यूनानी तिब उसको इस्तेमाल करने और उसके फ़ायदे के बारे में बताती है कि किन डेली रूटीन में हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ये सारी जो हैं जो जो चीज़ें हैं वो बायो रिसोर्सेज या बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूनानी तिब का जो लिंक है ज्योग्राफी, कम्युनिटीज, वर्ल्ड व्यूज, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से, तो ये हमें यूनानी तिब को ये नॉलेज जो है, यूनानी तिब को ये जो सारी चीजें जो है एक डाइवर्स और यूनिक बना देती हैं। यूनानी तिब, जहाँ तक ये बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि जो हेल्थ की डिफिनीशन है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हम समझेंगे कि अगर ये मेंटेन है, अगर ये बैलेंस है, तो हमें हमारी ये जो हेल्थ की डिफिनीशन है उस पर सादिक आती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमें जो है फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करती है, सोशल वेलबींग प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हम सेहतमंद रह सकते हैं, और सेहतमंद कैसे रह सकते हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करें, उसके लॉस को रोकें, किस तरीके से उसकी हिफाजत करें, उसे बचाएं, कि बायोडाइवर्सिटी हमारी अगर बची रहेगी तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी, कायम रहेगी। जैसा कि हवा के बारे में यूनानी तिब में खास तौर से जिक्र होता है, हवा का हवाए मुहित, अनपॉल्यूटेड वाटर, यानी फ्रेश हवा जो है, ताजा हवा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ की आबो हवा फिजा जो है बेहतर हो, तो वो बहुत अहमियत के हामिल है और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है हवा को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करती है। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करेगी, लॉस होगा, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। एयर पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे हेल्थ रिस्क प्रोवाइड करता है, हेल्थ रिस्क लाता है, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो हवा से पैदा होने वाले अमराज, जिसमें ब्रोंकियल एस्मा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इम्यून डिसऑर्डर्स, वेरियस कैंसर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ आई, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट्स, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक्स वगैरह, ये सभी जो है हवा के जरिए फैलते हैं ये अमराज। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे तो हम इन चीजों से बचेंगे, वरना फिर एयर पॉल्यूशन पैदा होगा और जिसके नतीजे में हम इन बीमारियों का शिकार होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में किस तरीके से हवा के जरिए जो वायरस है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ होगा,
जैसा कि आप मुख्तलिफ खबरों और न्यूज में महसूस करते हैं कि जंगलात में आग लगी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी पूरी इस वक्त डिस्टर्ब है पूरे वर्ल्ड की। तो जाहिर सी बात है कि एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, सब कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो सभी, तो उसके नतीजे में हमारी सेहत जो कायम रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो यानी कि एयर पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो डिफरेंट पॉल्यूशन पैदा करने का सबब बन सकती है। तो हमें जरूरी है कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करनी है, उसको बचाना है। माकूलात में खाने पीने की चीजें, खाने की चीजें जो हैं वो उनपे हमारा यूनानी तिब बात करता है, इलाज बिलगेजा की बात करता है। हमें ऐसी ऐसी गजाएं इस्तेमाल करने अमराज के लिहाज से, उससे बचाव के लिए या सेहत कायम करने के रखने के लिए हमारे लिए जरूरी गजाओं की तफसीली तस्करा हमें हमारे यूनानी तिब में मिलता है। और आप जो देखेंगे कि ये गजाएं जो हैं, जो हमारे लिए हेल्थी डाइट्स हैं, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी ही हमें प्रोवाइड करती है। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स जो विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के जरिए प्रोवाइड की गई सब्जियों, फ्रूट्स और मीट्स वगैरह मुख्तलिफ जराए से हमें हासिल होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमें गजा फराहम करती है और हमारे लिए मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, कॉस्मेस्यूटिकल कंपनीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करती है जो हमारे लिए इस तरह के तमाम अग्जिया और अद्विया का इंतजाम करते हैं। मशरूबात, पानी, पानी जो है बहुत जरूरी हमारे जिंदगी का हिस्सा है। पानी जो है हमारे लिए, फ्रेश वाटर, अनपॉल्यूटेड वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया, वैसे ही पानी का भी ताल्लुक है कि जिस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे लॉस होने की वजह से, उसके लॉस होने की वजह से पानी पे भी असर पड़ता है। और पानी जो है, वाटर जो है, जैसा कि आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 बिलियन पीपल जो है साफ ड्रिंकिंग पानी ना पाने की वजह से, ना हासिल कर पाने की वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। 2 मिलियन एनुअल डेथ जो है पानी, प्रॉपर जो है फ्रेश वाटर ना हासिल, सेफ वाटर हासिल ना होने की वजह से है, जो कि अनहाइजेनिक कंडीशन में अक्सर हमारे सामने आते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कॉलरा फैल जाता है, जॉन्डिस बहुत तेजी से, एमीबियासिस, बैसिलरी डिसेंट्री, जो कि पानी से ये फैलने वाले अमराज हैं, तो इनके जो इस्तेमाल से ये होता है। तो यानी कि हमारे लिए पानी का साफ होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा कि जब हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को साफ सुथरा रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, उसको लॉस होने से बचाएंगे, तो हमारे जो है ये चीजें जो जरूरियात जिंदगी हैं वो भी हमारे हमें अच्छी हालत में दस्तयाब होंगी। तकरीबन 80% जो डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया, WHO की रिपोर्ट है कि 80% जो है मेडिसिन, प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो इसी बायोडाइवर्सिटी से हासिल होती हैं। जो प्लांट सोर्स है खासतौर से, उससे 80% मेडिसिन हासिल होती है। आज तक तकरीबन 37,500 प्लांट स्पेसीज पे मुख्तलिफ स्टडीज हो चुकी हैं और मुख्तलिफ दवाएं जो हैं इन प्लांट स्पेसीज से हासिल की गई। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम माउल्ड से हासिल की गई। एस्पिरिन जो कि आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि ये खास तौर से यूनानी दवा सेलिक्स कैप्रिया जो कि वेद मुस्क कहते हैं उससे हासिल किया गया। टैक्सोल जिसको टैक्सस बकाटा कहते हैं ये भी यूनानी दवा जरनब से हासिल किया गया। क्विनीन नामी जो दवा है इसने लाखों की जान बचाई जब मलेरिया बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे था, जो लोगों को
लोगों की डेथ हो रही थी मलेरिया की वजह से, तो उस वक्त इसकी खोज की गई क्विनिन की सिनकोना बार्क से और लोगों की जिंदगियों को बचाया गया। मॉडर्न मेडिसिन में तकरीबन 40% प्रेस्क्रिप्शन जो होते हैं वो आप देखेंगे कि प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन ड्रग होती हैं किसी न किसी शक्ल में, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी ही हमें प्रोवाइड करती है। तकरीबन 150 मोस्ट प्रिस्क्राइब ड्रग्स अगर देखा जाए तो उनमें 57% जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी से ही हासिल की जाती है। टेट्रासाइक्लिन जैसे कि बैक्टीरियम से हासिल की जाती है। रिसेंटली अभी जो है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन दो ऐसे अल्कलाइड हासिल किए गए जो कि प्लांट सोर्स और खास तौर से यूनानी प्लांट जिसको कि कैथरेंथस रोजियस यानी सदाबहार कहते हैं उससे निकाले गए, जो आज कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है इस तरह की अद्वियात की जो हमारी बायोडाइवर्सिटी ने हमें दिया है। एक ये लिस्ट जो मैं आगे थोड़ा सा इसको जिक्र करना चाहूंगा फोटोज वगैरह के जरिए, इसमें है बारबोलिन, एलोएमोडिन, एट्रोपिन, कोडीन, कोल्चिसिन, डिजिटॉक्सिन, एफेड्रिन, स्यूडो एफेड्रिन, एल्डोपा, मेंथॉल, मॉर्फिन, क्विनिन, रिसरपिन, स्कोपोलामाइन, टैक्सोल, विम्ब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये अद्वियात जो हमारे यूनानी दवाओं मुख्तलिफ यूनानी दवाओं पे रिसर्च की गई और उनके जौहरे मुअस्सिर जो हासिल किए गए, तो हमने ये पाया कि जो हमारे अतिब्बा ने जो अफाल बयान किए थे तो वो अफाल उनके अंदर मौजूद कुछ ऐसे जौहरे मुअस्सिर थे जिनकी वजह से सादिर होते थे। तो उसके बाद ये रिसर्च से ये बात साबित हो गई कि अतिब्बा ने जो अपने ऑब्जर्वेशन के बिना पे जो बातें कही थी वो रिसर्चेस के जरिए साबित हुई और उनके अंदर ऐसे जौहर, ऐसे अज्जा, ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए गए जो वो अफाल सादिर करते हैं, उन अफाल को कायम रखते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो जुजे मुअस्सिर जो बारबोलिन, बारबालोइन और एलोएमोडिन के नाम से जाना जाता है, ये हासिल किया गया यूनानी एक दवा जो सिब्रे जर्द कहलाती है जिसको एलोवेरा एलो बारबाडेंसिस कहते हैं। इस दवा की तारीखी हैसियत आप ये समझ सकते हैं कि इस बात से कि ये मिस्र में मलका क्लोत्रा जो है अपनी खूबसूरती को कायम रखने के लिए इस हर्ब का इस्तेमाल किया करती थी। इसको लोकली एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी दूसरी अहमियत इस बात से लगा सकते हैं कि सिकंदर आजम ने सोकोत्रा आइलैंड को सिर्फ इसलिए हमला किया और फतेह किया कि वहां पे ये नबात, ये पौधा कसरत से पाया जाता था और उस वक्त इस पौधे की अहमियत ये थी, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी इसकी जबरदस्त है, तो उस वक्त इसकी अहमियत ये थी कि सिकंदर को जाहिर सी बात है वो मुल्कों को फतह करने के लिए अपनी फौजों को यूज करता था और उसके साथ खास बात ये थी कि उसके साथ एंड में बुलक कार्ट्स या जो भी कार्ट्स उसकी होती थी उनमें एक नर्सरी होती थी, उसके साथ चलती थी, उसकी अपनी नर्सरी होती थी जिसमें प्लांट होते थे, सिर्फ उसमें इस तरह के प्लांट वो अपने साथ रखता था जो कि वुंड हीलिंग या जख्म जंगों में जख्म में इस्तेमाल के लिए जख्मों को हील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो उस वक्त इस प्लांट की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई जब सिकंदर आजम ने सोकोत्रा आइलैंड फतह किया। इसीलिए अक्सर आप नुस्खों में जो आप एक नाम पढ़ते हैं सिब्र सकोत्री की, वो सकोत्रा आइलैंड की तरफ मंसूब कर दिया गया क्योंकि वहां पे वो कसरत से ये पाया जाता है। तो आप ये जो अतिब्बा ने फिर बाद में रिसर्चर्स ने जो बारब्लोइन और एलो एमोडिन हासिल किया तो इसके मुख्तलिफ जो एक्शन थे, अफाल थे, वो हमें बताया कि एंटीबैक्टीरियल है, इस कंडीशंस में मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल होता है, परगेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। एट्रोपिन, एट्रोपिन की अपनी बहुत अहमियत है, आप अच्छे से जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि एट्रोपिन जो है रिलैक्सेंट सेडेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और डायलेट करने के लिए प्रोपिल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमारे यूनानी दवा जिसको लुफा
ये ब्रूजी सनम कहते हैं एट्रोपा बेलोडोना, उसे हासिल किया गया। उसके अलावा ये बजरुल बंच यानी अजवाइन खुरासानी, उसमें भी पाया जाता है। धतूरा एस्टमोनियम यानी धतूरा, इसमें भी एट्रोपिन पाया जाता है। तो इन तीन पौधों से इसको हासिल किया गया और मॉडर्न मेडिसिन में एट्रोपिन की अपनी एक अलग अहमियत है। कहते हैं कि एट्रोपा बेलाडोना यानी लुफा जो है, ये वहां की औरतें जो हैं, यूनान और रोम की औरतें अपनी आंखों को खूबसूरत करने के लिए इसके अर्क को अपनी आंखों में डालती थी, जिससे उनकी पुपिल डायलेट हो जाती थी और वो आंखें जो है एक नशीली आंखें कह सकते हैं कि वो अपने आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए वो इसका इस्तेमाल किया करती थी, इसके अर्क को अपनी आंखों में डाला करती थी। तो मॉडर्न मेडिसिन में फिर इसका इस्तेमाल एट्रोपिन का भी आंख के अमराज में टेस्ट करने के लिए, पुपिल को डायलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। कोडीन तो दूसरी मशहूर जो जिसे मुअसर जो हासिल किया गया वो कोडीन, इसके अलावा मार्फिन और दीगर इसी के साथ थेबेन वगैरह बहुत सारे जो अज्जा थे जो हासिल किए गए, जो कि हमारे यूनानी ड्रग मशहूर दवा जिसको अफ्यून कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम पेपर सोमनीफेरम है, उससे हासिल किया गया। पेपर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम जो इसका स्पेसिफिक नाम है, आप उसे उसके मीनिंग से आप ही अंदाजा लगा लेंगे, ये सोमनीफेरा का मतलब होता है नींद लाने वाली। तो इसका जो नाम है पेपर सोमनीफेरम, ये उस तरह इंडिकेट करता है कि ये मनोविम जो दवा है और खासतौर से इसको पेन किलर के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाने लगा। है जिस पे रिसर्च करके इसके जो जुज़े मुअस्सिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अलग किया गया वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है यह हासिल की गई हमारे यूनानी दवा सुरंजान से, जिसमें जो दो दो स्पेसीज इसके खास तौर से हैं जिससे यह हासिल की गई, कोलिचिकम ऑटमनेल और कोलिचिकम ल्यूटियम। एक आप देखेंगे कि पिंक फ्लावर जो जाफरान के फ्लावर जैसा है और एक जो है येलो फ्लावर है। अक्सर हमारी किताबों में कुछ लोगों ने लिखा है कि जाफरान के कलर जैसा होता है और कुछ लोगों ने येलो फ्लावर के बारे में लिखा है, यानी दोनों ही से कोल्चिसिन हासिल की जाती हैं और दोनों को एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमारे यूनानी दवा से ही, ये यूरिक एसिड कम करने के लिए बेहतरीन दवाओं में से एक साबित हुई। एनाल्जेसिक के तौर पर इसका इस्तेमाल आज किया जाता है। डिजिटॉक्सिन, डिजिटलिस जिसको कहते हैं, खासतौर से अमराज़े कल्ब के लिए कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पे आज ये मॉडर्न मेडिसिन के में एक अलग मुकाम बनाए हुए है। ये भी हर्बल मेडिसिन से जो कि हमारी बायोडायवर्सिटी से हासिल की गई है, खासतौर से कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ पहाड़ों, जहाँ बर्फीले इलाके हैं, जहाँ पहाड़ ऊंचे पहाड़ हैं, उन जगहों पर ये हर्ब पाई जाती है। इसको यूनानी में बाद के अतिबा ने इसका तर्जुमा करके कुछ इसका नाम पंजय सालब रखा। एक एक हमारे वहाँ सालब पंजा है, यूनानी ड्रग है जो कि वो दीगर दवा है, लेकिन इसका जो है पंजय सालब नाम रखा गया, जो कि इसके अंग्रेजी नाम फॉक्स ग्लो यानी कि लोमड़ी के ग्लव्स के नाम पे इसको पंजय सालब इसका नाम रखा गया। एक कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पे मौजूदा वक्त में इस्तेमाल की जाती है। जो दूसरी दवा है जो कि हमारे बायोडायवर्सिटी से हासिल की गई, ये भी हाई अल्टीट्यूड प्लांट्स में से एक है जो कश्मीर के ऊपर हिमालयी ऊंची इलाकों में पाया जाता है, एफेड्रा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ नुस्खों में, खांसी वगैरह के नुस्खों में एफेड्रीन, स्यूडोएफेड्रीन वगैरह कंपाउंड में उसमें देखा होगा आपने नुस्खों में कि ये यूनानी में और कम इस्तेमाल है, लेकिन ये होम्योपैथ में इसका खास तौर से इसका इस्तेमाल होता है और एलोपैथ में इसके जो एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन अज्जा हासिल किए गए उनका इस्तेमाल खास तौर से होता है। यूनानी और आयुर्वेदा में इसको सोमलता के नाम से जानते हैं, यानी कि ये देवताओं का रस, देवता इसके रस को पिया करते थे अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए, और इसीलिए ये सोमलता कहलाता है, सोम रस कहलाता है, तो देवताओं का रस कहलाता है। तो इसे आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद होगा। ये खास तौर से एस्मा, एम्फाइजमा, हे फीवर वगैरह में और ब्रांकोडाइलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है।
एल्डोपा जो दूसरी दवा है, ये जिससे जो बहुत ही आज मशहूर हुई, ये भी हमारी यूनानी दवा से हासिल की गई एल्डोपा। ये इस दवा का नाम है कोंच, म्यूकुना प्यूरियंस इसको कहते हैं, कोंच, जो कि एक ऐसी वेलवेट बीन भी कहते हैं, जिसमें एक रोएं, इसकी पहचान ये है कि इसकी जो फली है, अगर कोई इसको छू देगा या टच कर देगा, या इसका फली के ऊपर जो रोएं हैं वो अगर आपके जिस्म पे गिर गए तो खुजली शुरू हो जाती है, और वो इतनी खुजली होती है। ये ऐसा इत्तेफाक हमारा हुआ है एनआईएम में, एनआईएम में ये फल बेलदार चढ़ी हुई होती है नीचे गार्डन में, तो वहां पे हम इसको अक्सर वहां जाते थे, तो जो है ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि वो जबरदस्त खुजली बॉडी में शुरू होती है और फिर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि इसका एक वाहिद इलाज है कि गाय का गोबर अगर लगा दिया जाए उस मुकाम पे, तो फिर जो है वो खुजली मिट जाती है। तो इसकी जो फली है, जो इसके बीज हैं, बीन हैं, वो ब्लैक और वाइट शक्ल में, दो शक्लों में आपके सामने आती हैं मार्केट में, तो ब्लैक या वाइट दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। इसको जो है आप क्रूड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हालांकि इससे जो है एल्डोपा निकाल के वो पार्किंसन डिजीज के लिए मॉडर्न में इस्तेमाल किया जाता है। क्विनीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग हासिल की गई, ये सिनकोना नामी दरख्त के छालों से हासिल की गई। एक वक्त था जबकि मलेरिया से बहुत सी जाने जा रही थी, उस वक्त इस दवा की खोज ने एक इंसानियत को एक सुकून बख्शा और मलेरिया से छुटकारा मिलने लगा और उससे निजात मिलने लगी, आसान हो गया उसका इलाज, वरना अक्सर मौतें हुआ करती थी मलेरिया की वजह से। इसी तरह हमारी अगली दवा जो है वो यूनानी की ही मशहूर दवाओं में से एक, जिस पे हकीम अजमल खान साहब ने स्टडी की थी और उसे जो है अजमलिसिन और अजमलिनिन, अजमलिन वगैरह अज्जा निकाले गए थे। इसके मशहूर जुज में एक रिसर्पीन, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, वो यूनानी की ही देन है कि आज जो है ये दवा इतनी सुरखरू हुई और मॉडर्न तिब ने इसको अपना लिया। असरोल, राउल्फिया सरपेंटिना, जिसको सर्पगंधा भी कहते हैं, बहुत ही कारामद दवा, तो ये भी हमारे बायोडायवर्सिटी ही हमें प्रोवाइड कर रही है, जो कि इतने जखायर हमारे सामने हैं। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो ये यूनानी की ही ये ड्रग है, जिससे कि एक जुज़े मौसिर टैक्सोल हासिल किया गया। टैक्सोल के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एंटी कैंसर इफेक्ट जो है इसका है, या एंटी कैंसर कैंसर के अमराज में इसका खास इस्तेमाल होता है, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल है। तो ये हमारी जो यूनानी दवा है, जो जरनब के नाम से जानी जाती है, इसको टैक्सस बकाटा कहते हैं। ये भी हाई अल्टीट्यूड प्लांट है, ये पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे ही दस्तयाब होता है। कश्मीर में ये जो है प्लांट दस्तयाब है, तो ये सरनब के नाम से जाना जाता है, यूनानी तीब नहीं। यानी कि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी रिसर्चेज इस तरह की हुई हैं, वो अतिब्बा के पुराने जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, उन्हीं को सामने रख कर मॉडर्न मेडिसिन ने भी उस पर काम किया और उसको जो है सर्च किया और एक बेहतर नतीजे पे पहुंचे। ये जुल्फे उरूसा, ये जो ड्रग है आपके इर्द गिर्द बहुत कॉमन है, इसको जुल्फे उरूसा कहते हैं, यानी सदाबहार भी कहते हैं जिसको यूनानी में। तो इससे जो है विम्ब्लास्टिन और विंक्रिस्टिन नामी अज्जा हासिल किए गए। मैं जुल्फे उरूसा की बात करूंगा कि ये क्यों नाम दिया गया। आप ये नीचे के जो कुछ फ्लावर हैं गुच्छे में जो नजर आ रहे हैं आप देखेंगे, तो उसकी मीम पे गौर करिए कि जुल्फे उरूसा यानी दुल्हन, दुल्हन के जो जुल्फ हैं। तो अक्सर क्या होता है, पहले पहले जमाने में क्या होता था कि दुल्हनों को सजाया जब जाता था, उनके बालों में जो है फ्लावर टाके जाते थे, यानी उनके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर्स टाके जाते थे, लगाए जाते थे। तो वो जिस तरीके से इस प्लांट में आप गुच्छे में फ्लावर दे रहे हैं खूबसूरत से कलर, रोज कलर में आप, तो इसकी वजह से इसको जो है नाम दिया गया जुल्फे उरूसा।
इसकी खूबसूरती की वजह से। तो इससे जो है विम्ब्लास्टिन और विंक्रिस्टिन नामी अज्जा हासिल किए गए जो कि मौजूदा वक्त में कैंसर के इलाज के लिए खास तौर से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसका बॉटनिकल नेम कैथरेंथस रोजियस, रोजियस इसलिए कि ये पिंक कलर का जो है कलर है, गुलाबी कलर है, तो इसको रोजियस नाम दिया गया। तो नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनल स्पेसीज अवे डिस्कवरी हिडन इन अर्थ पुअरली स्टडीड स्पेसीज। आप देखेंगे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो कुछ अद्वियात का जिक्र हुआ है, मतलब पूरे अभी यूनानी तिब तो जखीरा है। तकरीबन कहते हैं इब्ने बैतार ने 1400 अद्वियात का जिक्र किया है, तो ये तो कुछ दवाओं का जिक्र यहाँ पे मैंने किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऐसे जो है हिडन स्पेसीज होंगी जो इंसानियत के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं अगर उन पर रिसर्चेस की जाए, रिसर्च की जाए। तो जरूरी है कि आज हम आप जो यूनानी तिब में आज इसका झंडा लिए खड़े हैं इसको जो है, तो कोशिश ये करें कि इन जो हिडन अद्वियात हैं जो छिपी हुई हैं उन पे स्टडीज की जाएं और इसी तरह से नए नए चीजें लोगों के सामने लाई जाएं कि जो ऐसे अमराज जो हमारे लिए चैलेंज बन के हमारे सामने खड़े हैं उनका इलाज मुमकिन हो सके। इसी की एक कड़ी है जो मेरी कोशिश अपनी रही है, तो मैं क्योंकि मैंने अपना कश्मीर में जो ट्रांसफर कराया था इसी मकसद से कराया था कि मुझे वो प्लांट अपनी नजरों से देखना था जिनको मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। तो मैंने कोलकाता से अपने यहाँ ट्रांसफर कराया और माशाल्लाह यहाँ आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट जो मैंने सर्च किए हैं ढूंढे हैं उनमें से एक ये प्लांट है जो तिब्बी दुनिया में सिर्फ नजमुल गनी ने जिसका जिक्र किया और उससे पहले यूनान में इसका जिक्र मिलता है, ग्रीक लिटरेचर्स में इसका जिक्र मिलता है। जब मैं यहाँ पे कश्मीर में आया तो यहाँ लोगों ने वन वांगुन के नाम से दवा का जिक्र किया अक्सर करते रहते थे कि बहुत बेहतरीन दवा और ये कश्मीर की खास है, ये कहीं यूनानी तिब में इसका जिक्र नहीं है। लोग जानते नहीं थे कि इसका यूनानी तिब में भी जिक्र है। तो यहाँ वन वांगुन के नाम से यानी जंगली बैगन के नाम से इसका जिक्र कश्मीर में हुआ करता था। तो मैंने इसके जो बॉटनिकल नेम था पोडोफिलम हेक्सेंड्रम जब इसको पढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये दवा मेरी पढ़ी हुई है या इसके बारे में कहीं ना कहीं मैंने कुछ पढ़ा है, पोडोफिलम। तो मैं सोचा कि जब यू ग्रीक लिटरेचर में इसका जिक्र मिलता है तो हमारे तिब्बी दुनिया में क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं जो है अक्सर जो इब्न बैतार की जो बुक है अलजामे लिल मुफरदातिल अदविया या ये समझ लीजिए कि अदविया की जितनी किताबें हैं जिन नामों से उनमें दवाओं का जिक्र हुआ है कहीं ना कहीं जहन में वो बैठी हुई हैं कि कभी भी उससे मिलता जुलता भी लफ्ज मेरे सामने आता है तो मुझे फौरन ये एहसास होता है कि इस दवा के बारे में मैंने पढ़ा है। तो मैंने इस दवा का जो पोडोफिलम हेक्सेंड्रम है इसके बारे में भी मेरे जहन में यही ख्याल आया, मैंने इसको सर्च करना शुरू कर दिया कि मैंने जरूर पढ़ा है इन्हीं किताबों में कहीं है। तो मुझे खजानुल अदविया में पोडोफिलम के नाम से इसका जिक्र मिल गया और बाकी आयुर्वेदा में इसको पापड़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जिक्र पोडोफिलम के नाम से मिल गया। मैंने फौरन सर्च किया और इस पे माशाल्लाह मैंने एक रिव्यू पेपर तैयार किया री इंट्रोड्यूस करने के लिए और माशाल्लाह पबमेड इंडेक्स जर्नल में इसको छापा गया और रिव्यूअर ने ये कमेंट किया बाकायदा कि ये पहली कोशिश है जो किसी यूनानी स्कॉलर के थ्रू ये लिखी गई है, वरना इससे पहले कभी अभी तक यूनानी स्कॉलर के थ्रू इसके बारे में कोई मालूमात यूनानी के हवाले से नहीं मिलती है। तो ये पहली जो इसी तरीके के बहुत से ऐसे और प्लांट हैं जो मैंने सर्च किए हैं वो इंशाल्लाह आगे पेपर्स आते रहेंगे और लोगों को मालूमात उसके बारे में होती रहेगी। इसी तरह हमारे बहुत सारे एनिमल सोर्सेस हैं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है, जो कि कभी जो मेडिसिन के तौर पे कभी गजा के तौर पे हमें हासिल होते हैं। आप ये जो एनिमल देख रहे हैं या इसके पार्ट जो हमारे वहाँ यूनानी में इस्तेमाल होते हैं, कैस्टोरियम कहते हैं इसको, दस्तर कहते हैं, ये आजकल आइसक्रीम्स मुख्तलिफ जो पेस्ट्रीज और मुख्तलिफ जो खाने की चीजें हैं चॉकलेट वगैरह में इसके फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और यूनानी तिब में अमराज रास व दिमाग के जितने भी अमराज हैं दिमाग और रास के उनमें इसका खास इस्तेमाल है। हब्बे जुंद है, हब्बे सरा है, एपिलेप्सी के लिए
आसाबी अमराज के लिए बाद बलगमी अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमें हमारी डायवर्सिटी ही यूनानी तिब के थ्रू हमें प्रोवाइड करा रही है। अंबर के बारे में आप बेहतरीन जानते हैं कि ये स्पर्म वेल जो कि समुद्री एक मछली है स्पर्म वेल कहलाती है, उसके वोमिटस पार्ट है ये, यानी वो समुद्र में जब वोमिट करता है तो ये जो उसका वोमिट पार्ट है ये समुद्र की सतह पे आके सूरज की रोशनी में ये हार्ड हो जाता है और फिर ये इस शक्ल में हमारे सामने दस्तयाब होता है। ये भी यूनानी तिब में ही की ही देन है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। हमारे मुख्तलिफ अमराज जो पलगमी अमराज हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो सारे अमराज का इलाज इससे मुमकिन होता है और आज ये इस्तेमाल की जा रही है। हमारे मुख्तलिफ खमीराजात में आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है और बहुत मुफीद साबित होती है। ओरल मरजान जिसको कहते हैं, ये समुद्री मैराइन सोर्स से हासिल किया जाने वाला एक एजेंट है, एक सब्सटेंस है जो कि जिसमें कैल्शियम और आयरन जबरदस्त मिकदार में पाए जाते हैं। हमारे वहाँ मरजान का इस्तेमाल बीखे मरजान और शाखे मरजान के तौर नाम से होता है और मुख्तलिफ अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक खास तौर से ये जिक्र है कि अगर ब्रेन में दिमाग में रगों में क्लाट जम जाए तो ये उसको डिजॉल्व कर देता है, तो हमारे वहाँ कुश्ते के फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। यानी ये यूनानी तिब इस बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या देती है, क्या क्या नेमतें हमें प्रोवाइड कराती है आप देख सकते हैं। कटल फिश है जिसको कफे दरिया कहते हैं, इसकी जो बोन होती है वो कैल्शियम रिच होती है, जबरदस्त कैल्शियम होता है इसमें। इसके अलावा ये हमारे यूनानी तिब में इसका जो है इस्तेमाल मुख्तलिफ स्किन डिजीजेस में खासतौर से होता है। कटल फिश कहते हैं, कटल फिश इसकी बोन इस्तेमाल की जाती है। कफे दरिया दूसरा इसका नाम है जो यूनानी नाम है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं अज्जा हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है तिब्बी लिहाज से अगर देखा जाए। इन सिंपल टर्म इट इज ट्रू दैट पीपल विल ऑलवेज डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन होलनेस ऑफ अवर बींग एंड इन अवर एवरीडे लाइफ्स। Medicinal plants and animals are one of the crucial components as far as the contribution of biodiversity to society in concern with a progressive loss of biodiversity all over the world, especially in the tropics society, in not only losing present benefit from current use but is being deprived of option of future availability known as option value. Medicinal plants provide meaningful inputs for drugs. Their loss through existence could lead to considerable loss to the society. यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस कर रही है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, तो उस पर हमें सोचना है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज हम अगर हमें कोई शख्स अगर हमें कोई तोहफा देता है तो हमें भी उसके बदले में ये ख्याल रखना होता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसकी कदर की जाए। तो इसी तरह से हमारे जो 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 यूनानी ये जखायर हैं, ये ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन वगैरह ये सब बढ़ने की वजह से, ये न्यू और आबादी बढ़ने की वजह से इसकी जो हमारी अद्वियाती जखायर हैं उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और उन पे न्यू रिसर्चेस भी हो रही हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमें जरूरी है कि अगर वो लॉस कर रही है तो कहीं ना कहीं से हमें उसको पूरा भी करना है, वरना ये जो जखीरा है, ये खजाना है, ये खत्म हो सकता है। तो हमें यूनानियों को, खास तौर से यूनानी तिब के स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को और भी इससे रिलेटेड सभी लोगों को ये सोचना होगा कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है ताकि हम अपनी जरूरियात को उसके जरिए पूरा कर सकें। तो हमें उससे पहले ये सोचना होगा कि ये लॉस कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, जो है ये लॉस किन किन नतीजे किन किन वजूहात के बिना पे हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, यानी कि एनिमल्स को जो है उनके जाए वकू से, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से उनको भगाया हटा दिया जाए। वो हटाना या हटना बहुत सारी वजूहात उसकी हो सकती हैं, वो जंगलात में आग लगना या फिर उनको जंगलात को काटना जिससे कि नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, वहाँ वो
रवाना होते हिजरत कर जाते हैं, जिसके नतीजे में वो फिर जाए और वो लॉस लॉस हो जाता है तरीके से उनका, तो हमें सोचना होगा। इसी तरह से कंटिन्यूस हंटिंग जो होती है शिकार होगा, खुदगर्जी और खुद अपने मकासिद के लिए जो इन जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, इनके खाल के लिए, जैसे हिरन की खाल है, हाथी के दांत हैं वगैरह वगैरह, तो उनसे भी उनका लॉस होता है जो सीधे बायोडायवर्सिटी पर होता है। इसी तरह शिकार चिड़ियों का शिकार है, मैराइन एनिमल्स का शिकार है, इनका ओवर एक्सप्लाइटेशन है, ये सारा जो है हमारी बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करता है। पेस्ट वगैरह का कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं तो उससे जो है तो और भी बहुत सारे जो चीजें हैं जो जरूरी है, जरूरी जो है बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, वो सारे जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। पॉल्यूशन, मुख्तलिफ पॉल्यूशन जो है उनके सबब हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारे जो है इस पर अफेक्ट करते हैं। तो हमें चाहिए टुडे द अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी रिसर्च शुड बी मेड ए मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कंजर्वेशन के लिए, कि हमें जो है रेस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, यानी उन जंगलात का रेस्टोरेशन किया जाए, उनके चाहे सुकूनत का रेस्टोरेशन किया जाए, वापस उनको उन जगहों पे लाया जाए और ऐसा माहौल फिर से क्रिएट किया जाए। से मुख्तलिफ सेंचुरीज हैं, जू है, पार्क्स हैं, ये बनाए जाएं ताकि जो है उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले। यूज ऑफ लैंड्स, जो जमीनें हमारे आसपास हैं उनको, हमें बंजर जमीनें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको वहां पे प्लांटेशन किया जाए, इस तरीके से जो है अपनी लोकल बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इर्द गिर्द की बायोडाइवर्सिटी है उसको पर्सनली हमें अपने लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टू स्टॉप फिलिंग ऑफ लो मार्शी वेटलैंड्स, जैसा कि आप देखते हैं कि हम जब बचपन में देखा करते थे हमारे इर्द गिर्द बहुत से तालाब और गड्ढे और नाले वगैरह पाए जाते थे जो कि अब देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके नतीजे में आज आप महसूस करते हैं कि जबरदस्त बाढ़ वगैरह का प्रकोप झेलना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ कदम उठाए कि उन जो जिनको जिनको फिलिंग कर दी गई है, जिन तालाबों को, गड्ढों को, उनको वापस फिर से रिस्टोर किया जाए और उनके सही हालत में वापस किया जाए, फॉरेस्टेशन किया जाए, रिवर्स को कटने से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द जो है पेड़ पौधे लगाए जाए, हंटिंग को रोका जाए, ये सारी चीजें हमें करनी होंगी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। अब टाइम कम होता जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको आगे तेज करना थोड़ा सा रह गया है। तो हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कल्चरल और स्पिरिचुअल जो है चीजें हैं जो कि बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए शुरू से ही अप्लाई की गई हैं। तो उनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि तुलसी का पौधा है तो इसको जो है मजहबी एतबार से जोड़ दिया गया है और इसको राम तुलसी और कृष्ण तुलसी के नामों से भी जाना जाता है कि इसको देवताओं के नाम से जोड़कर इसकी अहमियत को बढ़ा दिया गया, जिससे एक बंदा, एक कोई भी इंसान जो है इसको डिस्ट्रॉय करने से खौफ खाएगा और इसको बहुत ही मुतबर्रक समझेगा और इसको सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए ही इस्तेमाल करेगा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीजों से जोड़ दिया गया है मुख्तलिफ चीजों को ताकि उसकी हिफाजत हो सके, जैसा कि पीपल के दरख्त को जो कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा जो है जिन्होंने वर्ल्ड बनाया, ये यूनिवर्स क्रिएट किया, वो जो है इसकी जड़ों में निवास करते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी पीपल के दरख्त को उखाड़ना लोगों की हिम्मत नहीं होती है, वो इस दरख्त को नहीं उखाड़ते हैं, इसको अपना बहुत ही मुतबर्रक मानते हैं, बल्कि इसको भगवान का दर्जा देते हैं और पीपल के दरख्त की पूजा भी करते हैं। तो इससे इसकी हिफाजत हो रही है। ऐसे ही गुड़हल है, इसके फ्लावर्स को मंदिरों में चढ़ाने के लिए, खासतौर से दुर्गा काली और गणेश को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक मुतबर्रक फ्लावर बन जाता है और इसकी हिफाजत भी हो जाती है, इसको ओवर एक्सप्लाइटेशन से बच जाता है ये। इसी तरह गाय को जो है माता का दर्जा दिया गया, इससे हासिल होने वाले बछड़े और बैल जो हमारे किसानों की कमर साबित होते हैं और हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, इसी तरह इसके जो मिल्क है, मिल्क के बारे में कहा गया है कि इसमें शिफा है, तो ये सभी चीजें इससे हमें दस्तयाब होती हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए इसको माँ का दर्जा दे दिया गया कि कोई भी इसको ना मारे।
तो ये सब चीजें इनसे जोड़ के बचाने के लिए, इसी तरीके से आप नेशनल कुछ बर्ड हैं, एनिमल हैं, इस तरह से नाम दिए गए, बाघ को नेशनल नेशनल एनिमल माना जाता है, मोर को नेशनल बर्ड मानी जाती है, और लोटस जो है नेशनल फ्लावर माना जाता है, तो इसको तोड़ना या इसको डिस्ट्रॉय करना एक तरीके से कानूनी जुर्म बन गया है, तो इससे इसकी हिफाजत हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप मुख्तलिफ शक्लों में आप इसकी हिफाजत कर सकते हैं। जो चिपको आंदोलन हुआ था, तो प्लांट को बचाने के लिए बच्चों ने पेड़ों पे लिपट कर उसकी हिफाजत के लिए उनको तोड़ने वालों से बचाया, किस तरीके से, तो मुख्तलिफ तरीकों से इनकी हिफाजत हमारे गवर्नमेंट जो है कर रही है, कोशिश कर रही है। तो इसी तरह हमें चाहिए, यूनानियंस को चाहिए, सभी यूनानियंस को, कि अपने इर्द गिर्द जो हमारे पास जमीनें हैं, हमारे हर्बल गार्डन है, हमारे जो बाकी जगह हैं, उनमें कोशिश ये करें कि आप पर्सनली जो है खुद एक एक फर्द जो है उस पे ध्यान दे और वहां पे प्लांटेशन करें, और ऐसा माहौल अपने इर्द गिर्द बनाए कि कुछ ना कुछ आप अपनी जो बायोडाइवर्सिटी आपको इतना दे रही है, तो आप एक अहद करें, एक नियत कर लें, एक इरादा कर लें कि आप भी अपनी बायोडाइवर्सिटी को अपने तौर पे, अपने लेवल पे बचाने की कोशिश करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगे और लोगों के लिए फायदेमंद बनाएंगे, ताकि वो चीजें जो हमें दस्तयाब हो रही हैं वो खत्म ना हो, बल्कि उनमें इजाफा करने की कोशिश की जाए। ये तमाम यूनानी के लोगों से गुजारिश है मेरी कि वो सभी अपने अपने लेवल पे इसका इसकी कोशिश करें और इसकी हिफाजत करें। यूनानी मेडिसिन एंड बायोडाइवर्सिटी मेक्स मी हैप्पी। सेव बायोडाइवर्सिटी, सेव यूनानी। थैंक्स, शुक्रिया। ये लेक्चर कंप्लीट होता है और मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, डॉक्टर तनवीर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलाम साहब। और स्टूडेंट्स ही ना नहीं बल्कि हम लोग भी बहुत जज्ब कर रहे थे आपके लेक्चर को। माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें आपने जो ऐड करी आज इसमें हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं हमारे यूजी पीजी दोनों के, मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ा जी शुक्र है कि जिस जज्बे से और जिस मोटिव से इस लेक्चर को हम ने ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत रिसीव भी उसी तरह से हो रहा है। कुछ सवाल डॉक्टर कलाम बनते हैं आपसे, मैं चाहूंगा कि आप उनके जी जवाब दें। जैसे आपने बेहतरीन तरीके से ना के बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया, उसके प्रोटेक्शन की भी बात की, जो दवाएं हैं यूनानी में बेसिक, उनकी ओरिजिन से किस तरह केमिकल ओरिजिन ड्रग्स बनी वो भी आपने डिफाइन किया, हिस्टोरिकल कितना इम्पोर्टेंट रहा इन दवाओं का ह्यूमनिटी को सेव करने के लिए, आपने बहुत जाजिब तरीके से इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया और बताया लोगों को। मेरा एक सवाल पर्सनली इस लेवल पे है कि आप जब कश्मीर में, ये बात को मैं जानता भी हूँ कि आपने चूज किया जम्मू कश्मीर जाना ताकि आप वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है और जो फ्लोरा है वहाँ का, उसमें आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें। ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग किताब में जो चीज़ें हैं उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं, और हमारे सामने डॉक्टर कलाम एक ऐसी मिसाल हैं जो उसमें ऐड कर पा रहे हैं। हमारी जनरेशन में ऐसे लोगों को हम देख पा रहे हैं जो हमारी बुक में, टेक्स्ट में ओरिजिनलिटी को कुछ चीजें ऐड कर पा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि और भी कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिस पे आपने एक लीड लिया और कश्मीर में उसको इन्वेंट किया, इस तरह से जो बुक में सिर्फ थोड़ा बहुत तस्करा मिलता है या नहीं भी है। हाँ, बुक में जो मेरी आवाज आ रही है यस, आवाज आ रही है जी, आपकी। तकरीबन मैंने 20-25 दवाओं का यहाँ पे सर्च किया है, जो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है हमारे अक्सर जो बॉटनिस्ट हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी बताया है, जो कि सीसीआरियम भेजी गई है, लिस्ट जो भेजी गई है। लेकिन इस पे मैं अभी और काम कर रहा हूँ, बुक एक तैयार कर रहा हूँ, जो कश्मीर के मखसूस तिब्बी पौधे, वो बुक है, तकरीबन तैयार है, उसमें कुछ इजाफात, क्योंकि नॉलेज ऐसा है, चीज ऐसी है कि वो बढ़ती रहती है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा काम पूरा हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें रुकी हुई हैं, यानी उसमें इजाफा होता रहता है। तो इसमें बहुत सारी, जैसे एनागालुस है, अखियून है, और यूनानी में आप ये समझे बनता फलून है, मतलब एक लंबी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे, वो दवाएं जो सिर्फ यूनानी किताबों में उनके नामों से जानी जाती थी, बॉटनिकल नेम अक्सर अक्सर नहीं लिखे जाते थे, जाहिर सी बात है नुस्खों में हमें ये प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने उन नामों को मुख्तलिफ जगहों से, जैसे ईरानियन लिटरेचर है, अरबिक लिटरेचर है,
जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं या किसी सूरत में अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टकराव आ गया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि मालूमात उस लेवल की इंसान की होती है, तो वो क्या होता है कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से खुद कहीं ना कहीं मदद आ जाती है, तो वो जो नाम है उनके जो मॉडर्न में यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं। तो उसकी वजह से मेरे पास एक माशाल्लाह ऐसा एक लिटरेचर ऐसे कलेक्ट हो गए हैं कि जो मैं धीमे धीमे एक एक करके उनको आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा। वो किताब आएगी तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। उनमें जो है कुछ नाम ऐसे अभी जहन में एकदम से नहीं आ पा रहे हैं जैसे पूछा, लेकिन कुछ नाम जैसे मैंने बताया कि एनागालुस के नाम से एक प्लांट जो है, बंताफ्लून के नाम से है, ये जो कि अक्सर अननोन है यूनानी तिब के लोगों के लिए, कब सकबीनज जो है वो जो है वो भी बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है। तो इस तरह की जो अद्वियात हैं उन पे मैंने खास तौर से बहुत मेहनत की है कि जो एक तरीके से छिप गई हैं, हिडन हैं, जो हमारे अतिबा ने तो बयान की हैं, लेकिन बाद में हालांकि वो हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शनाख्त मौजूद नहीं है प्रॉपर, या कोई हमारा सीनियर हमारे हकीम जो है उसको बताने वाले नहीं है, तो उन अद्वियात को सर्च करके उनको जो है मैंने कोशिश की है, और उन सारी बहुत सारी अद्वियात को और मुख्तलिफ बॉटनिस्ट जो हैं उनसे भी हेल्प लिया है इसमें मैंने, और इनसे डिस्कशन करके और नतीजे तक पहुंचा हूं कि तकरीबन होता क्या है कि थोड़ा बहुत माइनर जो स्पेसीज का फर्क होता है, तो वो भी मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि वो अलग अलग स्पेसीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे असरोल का जिक्र आता है, तो जब मैं NIOM में था तो असरोल वहां पे एक दवा वो बोर्ड लगा हुआ था असरोल, तो जब मैंने वो प्लांट देखा तो पहली बार मैंने उसको जो है बताया था कि ये असरोल की जो ये बड़ी चंदन है यानी बड़ी किस्म है ये वो वाली है जो राउल्फिया सर्पेंटिना है, ये नहीं है। तो वहां पे फिर जो है राउल्फिया टेट्राफाइला के नाम से उसका बोर्ड लगाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पेसीज वाइज यानी कि उनमें जो स्पेसीज का डिफरेंस होता है उसमें मैंने बहुत गौर किया और उनके स्पेसीज को अलग अलग किया है। इस तरह की एक और दवा है, एक्सक्यूज मी जरा मैडम का फोन आ रहा है तो मैं बात खत्म करना चाहूंगा। ओके जी मैम, हेलो जी मैम, जी मैम, मैम जरा मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा। हेलो, हाँ मैं असल में मैडम मैडम का फोन आ गया था तो जरा सा मैं मुझे लग रहा है कि वक्त अब है, 2-4 मिनट आप जा रहे हैं। नहीं हो गया बात हो गई। अच्छा okay. तो इस तरीके से मतलब मैंने स्पेसीज पे काम किया। एक और दवा का जिक्र जैसे मैं कर रहा था कि यहाँ पे मैं अभी काम करा रहा हूँ हुरफुस्सुतू, एक ड्रग है हुरफुस्सुतू, तो इसको जो शेफर्ड पर्स कहते हैं यानी कि गलिया जो होता है, जो शेफर्ड होता है वो जो एक पटुआ जो अपने गले में लटकाता है, तो उसमें उस जो हुरफुस्सुतू जो ड्रग है वो उसका शेप जो होता है फ्रूट का जो होता है उस बटुए जैसा होता है, तो वो मैंने यहाँ पे सर्च किया कश्मीर में और यहाँ पे बहुत वफर मकदार में पाया गया। तो मैं उस पर अभी मेरे एक PG स्टूडेंट है उसकी उसका जो है रिसर्च वर्क उस पर चल रहा है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट चल रहा है। तो जो मार्फोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारे तिब्बा ने बयान की है कि इसका फ्लावर जो है या फ्रूट जो है किस शक्ल का होता है या उसकी पहचान जो डिफरेंट पहचान है उनके अकॉर्डिंग मैं जो है उसको ढूंढता हूँ और उस तरह की, क्योंकि मेरे जहन में यही सब चीजें ज्यादा रहती हैं पौधे वगैरह, तो जैसे ही मैं पढ़ता हूँ के बारे में तो मुझे लगता है कि ये कहीं अगर मेरे आसपास है, और मैंने ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरे आसपास कोई पौधा हो और उसको मैंने ना देखा हो या उसकी मशाबियत उसकी शनाख्त तो उसकी शक्ल मुझे ना मालूम हो, तो जाहिर सी बात है वो जैसे ही पढ़ता हूँ तो वो मेरे फौरन जहन में आ जाता है कि वो कहीं आसपास मेरे मौजूद है, फिर मैं उसको सर्च पे उसको सर्च करता हूँ और फिर कोरिलेट करके अगर सही है तो उसको नतीजे तक पहुँचता हूँ, और अगर गलत है उसमें कुछ कमियां हैं तो फिर उसको आगे फिर से कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, क्योंकि जो यूनान ने खासतौर से इब्ने बैतार ने या हमारे अतिबा ने मुख्तलिफ जगहों की जो प्लांट का जिक्र किया है कि पहाड़ों पहाड़ों और
नदी किनारे और जगह जगह जो उनके हैबिटेट के लिहाज से है जो जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सारे जो पहाड़ भी पाए जाते हैं और हर तरीके का नेचर माहौल मिलता है यहाँ पे, तो वो सारे प्लांट जो है मैक्सिमम मुझे लगता है पूरे पूरे वर्ल्ड के जो है प्लांट जो है वो कश्मीर में किसी न किसी शक्ल में दस्तयाब है, मतलब ज्यादा तादाद में दस्तयाब है। तो मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप दुआ करिए कि कुछ किया जा सके यूनानी द्वीप के लिए, कुछ भला हो सके। बिल्कुल, वक्त चूंकि आपके पास भी कम है, दूसरे स्पीकर भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जी तो जी जी सवाल आपके लिए कि आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो बेसिक बुक्स हमारे कोर्स में है यूनानी की, चूंकि उसमें पिक्चरल जी जी उस तरह का डायग्राम नहीं होता या फिर रीसेंट बॉटनिकल टूल्स नहीं होते, तो आप क्या सजेस्ट करना जी चाहेंगे स्टूडेंट्स को ताकि वो एक आइडेंटिफिकेशन। हाँ, मुझे थोड़ा सा जो मेरा तरीका है और आज के हमारे कुछ यूनानी अतिब्बा हैं जिनका तरीका है, वो ये कहते हैं कि ये जो यूनानी में जो किताबों में जिक्र है प्लांट का डिस्क्रिप्शन, उसको हटा देना चाहिए और बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन को लाना चाहिए। लेकिन मेरा यहीं पे आपसे एक गुजारिश है कि उस डिस्क्रिप्शन को, जो यूनानी का डिस्क्रिप्शन है, उसको हटा देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें छिपी हुई हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे अतीबा ने बयान की हैं, कि अगर आप उस पे गौर करेंगे, उनके नामों पे गौर करेंगे, उनकी शक्लों पे गौर करेंगे, तो आपको सर्च करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं जो सर्च करता हूँ, मैं उन नामों को, उनके मीनिंग्स को, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो। हाँ, ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से यूनानी जो स्टूडेंट हैं वो अरबी और फारसी को जो है वो समझते हैं कि इसे निकाल देना चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अरबी और फारसी या दूसरी भी जो भी इसमें फलसफा वगैरह पढ़ाया जा रहा है, उसको कभी भी आप निकाल के आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि इसमें वो जखायर मौजूद है, वो बातें आपके इशारात छिपे हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इनके जरिए आप क्या क्या बातें मालूम कर सकते हैं उन प्लांट्स के बारे में, जो उनके मतलब निकाल के और मुख्तलिफ जो उसके पहलू हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं, उनके जरिए पहचान उसकी कर सकते हैं। मेरा जो तरीका रहा है यही रहा है कि मैं इन्हीं नामों के जरिए ही, तकरीबन अगर 20 नाम मुतरादिफात एक दवा के मौजूद हैं, तो मैं वो 20 नाम की मीनिंग समझने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके जरिए उसके असल जो आज के मौजूदा वक्त में जो बॉटनिकल नेम या जो जो फैमिली है उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तरीका वही है कि जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो जो हमारे अतीबा ने बताया है, उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ और माशाल्लाह मैं फैमिली और उसके बॉटनिकल नेम तक पहुंच जाता हूँ, अगर वो अननोन ड्रग भी होती है तब भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सा सवाल आपसे, ये चूंकि हमारे पीजी स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, जी 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 बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन को अगर रिसर्च टॉपिक बनाया जाए तो उनके लिए कितना ये विजिबल और अट्रैक्टिंग होगा? इसमें आइडेंटिफिकेशन का जो मामला है, अगर इस पे टॉपिक बनाएंगे, थोड़ा सा मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि हमारे वहाँ यूनानी द्वीप में जो है ना, कहते हैं कि आप वो केकड़े जैसी जो मिसाल है, मैं माजरत चाहूंगा कि वो हाल है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो एक बंदा दूसरे की टांग खींचता है। तो ये मैंने खुद बहुत महसूस किया है कि इसमें मुझे बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन मैं अपनी लगन, मैंने ये सोच लिया कि अगर इसको साइंटिफिक तौर पे वो नहीं किया जाएगा, मैं पर्सनली इसको कोशिश करूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाऊं किसी न किसी तरीके से। अगर मुझे हेल्प नहीं होगी तो मैं पर्सनल लेवल पे इसको करता रहूंगा। थोड़ा सा मुसीबतें बहुत हैं इसमें, मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि इस पे आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफसाउल कलाम साहब आपका लगातार श्रीनगर से जुड़ने के लिए, और जी इंतजामिया की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से हमें भी लग रहा है कि लेक्चर अभी भी बातें हम लोग को बहुत सारी सुननी थी आपसे प्लांट्स के बारे में, खास के एक हकीम जब इस तरह से अप्रोच रखता है, बॉटनिस्ट जो हम लोग मानते हैं कि उनका अप्रोच बहुत अच्छा है प्लांट के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक यूनानी बंदा कोई प्लांट डिस्कवर करता है या कुछ ऐसी इस तरह की खोज करता है तो वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। अगर एक मॉडर्न का किसी ने भी, एक अदना से शख्स ने, किसी अमेरिका, इंग्लैंड और फला जगह के किसी शख्स ने वही रिसर्च या वही बात कह दी है, तो उसको पूरी तीबी दुनिया में ऐसे लिया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन अगर एक यूनानी बंदा अगर कोई इस तरह का काम कर देता है तो गुम हो जाता है, उसको गुम कर दिया जाता है, तो वो चीजें सारी झेलनी पड़ेंगी, सामने आएंगी, इसलिए बहुत ही सब्र और हिम्मत से करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, और इसकी मिसाल ये भी है कि हम आपको अप्रोच सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके अप्रोच को हम जानते हैं। प्लांट्स को जो डिस्कवरीज वाली बात है वो एक नायाब चीज है। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर पीजी का कुछ रिसर्च वर्क को लेके हमारे कुछ प्रोग्राम्स होंगे तो आपको जहमत देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स।